लो जी प्लेन आ गया। अगर आपके पास पानी की बोतल हो तो यहाँ पे पानी भरने की जगह भी है। दुआ कैसे? एयरपोर्ट पे कितने सारे ब्रांडेड है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मैं बढ़िया हूँ, आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे। सुबह के बजे 3 और व्लॉग की शुरुआत होती है घर से। सुबह 3 बजे उठने का कारण यह है कि जाना है हमें मुंबई। मुंबई जाने के लिए हमें जाना होगा एयरपोर्ट। चलो जाते हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट लेके प्रभु का नाम। लो जी जाने के लिए रेडी। सुबह के 3:30 बजे सब सन्नाटा सोसाइटी में सारी जगह। ये रही हमारी गाड़ी। हमारी गाड़ी के ड्राइवर की वेट कर रहे हैं। लो जी अब अपनी सवारी निकल पड़ी। लो जी एयरपोर्ट पे आ गए। ये रहा अहमदाबाद का एयरपोर्ट। ये सब स्टॉल बहुत ही प्यारी स्टॉप और सारी सीट भी बहुत ही अच्छी लग रही है, रंग बिरंगी। एयरपोर्ट पे जो भी लोग आते हैं ना, वो विकलांग होते हैं तो उसके लिए वो सारी चेयर है, सारी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। सुबह 4 बजे निकले थे, 5 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुँच गए। अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर आ गए। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और बहुत लंबी क्रॉस है यहाँ पे। तो हम जाते हैं बोर्डिंग पास निकालने के लिए। हमारी फ्लाइट है आकाशा एयर। बैग चेकिंग हो गया है। जहाँ पर बैग चेकिंग होती है वहाँ पर ही बोर्डिंग पास मिल जाएंगे आपको। हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। तो 5 बजे फिर भी बहुत सारा सिक्योरिटी चेकिंग हो गया। अब गेट नंबर 4 भी हमें जाना है। देखो हैप्पी दिवाली। एयरपोर्ट का ये नज़ारा देखो बहुत ही खूबसूरत है। सभी को शुभ दीपावली। हमारा फ्लाइट टाइम है 7:30 बजे का। अभी बज रहे 5:30 बजे। तो यहाँ पे तह रहे सब जगह देख रहे हैं। दुकान भी अच्छी है, शॉप भी अच्छी है। यूँ ही घूमते घूमते टाइम पास कर रहे हैं। तो सारी वैरायटी चीज़ें बेबी है। एयरपोर्ट पे पानी पीने की जगह ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड कहते हैं इसे, यानी पानी पिया जाता है। मैं वो आपको बताता हूँ, डरनी या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये और ये छोटे बच्चों के लिए। अगर आपके पास पानी की बोतल हो तो यहाँ पे पानी भरने की जगह भी है। बैठे बैठे बोर हो गए, अब चाय पीने आए। चाय का पर चाय का प्राइस देखो गाइस, ये प्लेन जा रहा है। हमारा प्लेन आ गया है। ये प्लेन आ गया। हमारा प्लेन का टाइम है 7:55 डिपार्चमेंट टाइम। लो जी प्लेन आ गया। प्लेन का डिपार्चर टाइम 7:55 है। देखो जी प्लेन में जेट ब्रिज कनेक्ट हो रहा है। ये जो ट्रक है ना, वो प्लेन में जेट फ्यूल के लिए है। वो ट्रक के पास में जो पाइप है ना, वो जेट फ्यूल फ्यूल कर रहे हैं प्लेन में। चलो जी प्लेन में जाने का टाइम आ गया है। प्लेन के अंदर जाके प्लेन दिखाता हूँ, अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है। ये जेट ब्रिज है। फिर आप प्लेन का अंदर का भाग, ये सारे सीट, ऊपर के भाग में सारा सामान रखते हैं। लो जी ये विंडो सीट हमको मिल गई। अब टिकट बुक कराते हो तब 300 रुपया एक्स्ट्रा होता है विंडो सीट लेने के लिए। ये है प्लेन का विंग्स।
प्लेन में सीट बेल्ट कैसे बांधता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये बेल्ट में सुविधा होगी और हम अपने निर्धारित समय पर उड़ान भर पाएंगे। हो गया, धन्यवाद। मैं ये सब क्या है देखते हैं। ये फूल खाने के लिए प्लेन में क्या क्या सेफ्टी रखनी है वो सब ये रहा, जूम करके देख लेना। सीट के ऊपर का भाग है, ठंडी हवा यहाँ से आती है। प्लेन में फूड मेनू, टेक ऑफ टाइम हो गया है, पायलट ने इंफॉर्मेशन दी है 29,000 फुट ऊपर प्लेन जाने वाला है। प्लेन टेक consumption of alcohol, usage and charging of smoking devices such as cigarettes, e-cigarettes, personal vaporizers, vape pens, e-cigars, e-hookah, vaping devices etc. on board this aircraft is strictly prohibited. Smoke detectors are installed in all the lavatories. Mobile phone. सामने जो घूम रहा है वो दिशा निर्देश कर रही है। टेकअप हो रहा है, जी पहुंच गए मुंबई एयरपोर्ट। हम बजट बगेज के लिए जा रहे हैं मुंबई का एयरपोर्ट का अंदर का व्यू। ये प्लेन का एक्सपीरियंस मेरे लिए पहली बार नहीं था, मैं सातवीं बार बैठा हूँ प्लेन में। एयरपोर्ट में बार, ये एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजीराव इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमची मुंबई। नज़ारा तो रेलवे स्टेशन जैसा लग रहा है। ये रहे हमारे भैया।
एक आप ट्रॉली में रखते थे और निकलते बाहर। देख लो मुंबई का नज़ारा, ये स्टॉल है हल्दीराम का स्टॉल, कॉफी मोर, ये छत्रपति शिवाजी, ये बाहर जाने का रास्ता। प्लस मोहन दिवाली के नई नई वैरायटी, अच्छी अच्छी टॉफीज। बाहर है ये एयरपोर्ट में बाहर। एयरपोर्ट में दीपावली की रंगोली, वेरी नाइस। एयरपोर्ट पे अजीत गेट के बाहर ये मेरू और ओला सर्विस है। ओ जी ये मुंबई एयरपोर्ट का बाहर का नज़ारा है। युवा कैसे सारे कैफी से यहाँ एयरपोर्ट पे कितने सारे ब्रांडेड है। आप जब एयरपोर्ट के बाहर आते हो तो आपको होटल के जाने के लिए ओला उबेर जेट टू पे आती है। हम गाड़ी में बैठ गए हैं और अब हमारी होटल है बीकेसी प्राइम। एयरपोर्ट से 8 या 10 किलोमीटर दूर है। कोई भी नहीं है, कांच की मुंबई की सारी बिल्डिंग कांच की। ये बीकेसी एरिया है ना, बीकेसी बहुत वीआईपी एरिया है। बीकेसी एरिया में बीकेसी प्राइम होटल है, बहुत ही बढ़िया और लाजवाब होटल है। यहाँ पे 29 रूम्स है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब इंक्लूड है। यहाँ पे सब मिलता है, यहाँ भी सर्विस भी बहुत ही बेस्ट है। पूरा नया होटल बना हुआ है, इशारा बात। अब हमारा रूम आएगा, रूम नंबर है 1023। यहाँ पे टीवी है और ये मिरर। ये एक्स्ट्रा बेड, ये है एसी, ये है कॉर्नर कपड़े रखने के लिए। ये है बाहर के नज़ारे, ये है डबल बेड, ये मोबाइल सर्विस के लिए, ये सारा हमारा सामान, ये है बाथरूम, भी आ गए और अब चाय मंगाई और चाय पी लेते हैं। ओके तो गाइस सुबह से निकले, थोड़ा आराम करते हैं, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद हमें जाना है मुंबई दर्शन के लिए। मुंबई के सारे प्लेसेस का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। और हाँ मेरे दूसरे चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है, चेक करो और सपोर्ट करो। और मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू और आप सबको हैप्पी दिवाली।